आज का पंचांग 17 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और बुधवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि 17 मई 2023 को रात 10:29 तक रहेगी। साथ ही बुधवार रात 9:17 तक आयुष्मान योग रहेगा। 17 मई को सुबह 7:39 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज ही के दिन प्रदोष व्रत और मास शिवरात्रि का व्रत भी किया जाएगा। इसके साथ ही आज से 3 दिवसीय वट सावित्री व्रत की शुरुआत भी हो गई है। शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:45 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि 17 मई 2023 को रात 10:29 तक रहेगा। आयुष्मान योग रात 9:17 तक रहेगा। रेवती नक्षत्र 17 मई को सुबह 7:39 तक रहेगा। प्रदोष व्रत और मास शिवरात्रि का व्रत 17 मई 2023 व्रत की शुरुआत भी हो गई है। अशुभ मुहूर्त यमघंट दोपहर 10:35 से 11:18 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 3:13 से 4:55 तक रहेगा। कुलिक काल दोपहर 1:49 से 3:47 तक रहेगा। राहु काल का समय दिल्ली में राहु काल दोपहर 12:17 से दोपहर 1:59 तक रहेगा। मुंबई में राहु काल दोपहर 12:35 से दोपहर 2:12 तक रहेगा। चंडीगढ़ में राहु काल दोपहर 12:19 से दोपहर 2:02 तक रहेगा। लखनऊ में राहु काल दोपहर 12:02 से दोपहर 1:43 तक रहेगा। भोपाल में राहु काल दोपहर 12:16 से दोपहर 1:56 तक रहेगा। कोलकाता में राहु काल दोपहर पहले 11:33 से दोपहर 1:12 तक रहेगा। अहमदाबाद में राहु काल दोपहर 12:35 से दोपहर 2:15 तक रहेगा। चेन्नई में राहु काल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। सूर्योदय सूर्यास्त का समय आज सूर्योदय सुबह 5:29 पर होगा तथा सूर्यास्त शाम 7:56 पर होगा। आज का वास्तु टिप्स वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में विंड चाइम लगी होती है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही आ जाती है, साथ ही घर में सुखद माहौल बना रहता है। वास्तु के अनुसार विंड चाइम लगाने से घर में लक आता है और घर के सदस्यों की प्रोग्रेस भी बढ़ती है, यानी आर्थिक गति बनी रहती है। घर या ऑफिस विंड चाइम को आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन दरवाजे या खिड़की पर लगाना सबसे अच्छा होता है। वास्तु की माने तो वहाँ पर हवा के वेग से उसमें कंपन पैदा होता है और उससे मधुर ध्वनि निकलती है, जिससे चारों ओर घर में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है।